वेलकम बच्चों। सो हमारा चैप्टर चल रहा है सर्कल, और लास्ट टाइम में हमने कुछ बेसिक पॉइंट्स देखे, हमारी दो एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। तो याद करिए वो जो बेसिक पॉइंट देखे थे, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था, हमने देखा आर्क ऑफ सर्कल। तो आर्क ऑफ सर्कल का मतलब क्या था, हमारे सर्कल पर घूमना। जैसे मैंने दो पॉइंट्स ले लिए, ए ए से बी तक जाने के लिए एक रास्ता है कि मैं डायरेक्ट जाऊँ कॉर्ड से, ठीक है। दूसरा रास्ता है कि मैं इसके ऊपर घूम जाऊँ ऐसा, लेकिन मैं ऊपर से भी जा सकता हूँ। तो इसी के लिए हमको आर्क ऑफ सर्कल बताने के लिए तीन लेटर की ज़रूरत लेती है, ठीक है। एक जैसे हमने यहाँ पे एक्स पॉइंट डाल दिया और यहाँ पर पॉइंट ओ सॉरी वाई है, ठीक है, और कोई सेंटर मान लीजिए ये ओ है। तो अब जब मैं ए से बी तक जाऊँ तो मेरे पास ए एक्स के रास्ते से भी जा सकता हूँ, मैं वाई के रास्ते से भी जा सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा आर्क है, और ऊपर का अगर देखो तो ये भी हमारा क्या है, आर्क है। तो अब उसमें हमने टाइप्स भी देखे थे। सबसे पहले सेमी सर्कल देखा, याद करिए उसके भी पहले हमने देखा कि मैं इन एंड पॉइंट्स, ये जो आर्क है, आर्क के जो एंड पॉइंट है, इसको मैं यहाँ पे जोड़ दूँ तो सेंटर पे एक एंगल तैयार होगा, जिसे हमने कहा था सेंट्रल एंगल, ठीक है। उसके बाद जैसे इसका मेजर रहता, जैसे एग्जांपल की मैं इसका मेजर समझो 80 डिग्री है, तो वही 80 डिग्री इसका भी क्या रहता, मेजर रहता है, ठीक है। यानी जो मेजर सेंट्रल एंगल का है वही मेजर उसके करस्पॉन्डिंग आर्क का रहता है, ठीक है। अब उसके बाद में अगर हम बात करते हैं आगे के, तो वहाँ पे हमको नज़र आता कि ये हमारे पास बहुत बड़ा है, ठीक है। तो जैसे अगर मैंने यहाँ से ले लिया तो आपके लिए ये क्या हो जाएगा, डायमीटर के कारण हमारे सर्कल के दो इक्वल पार्ट्स होते हैं, दोनों पार्ट को हम कहते हैं सेमी सर्कल। हमने देखा था कि सेमी सर्कल यानी यहाँ से ये पी से मैं क्यू ले लेता हूँ, तो पी से क्यू तक अगर लूँ तो ये सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल का जो मेज़र होता है वो 180 होता है। ऊपर में भी सेमी सर्कल है उसका भी मेज़र 180 होगा, यानी पूरे होल सर्कल का मेज़र अगर विचार करते तो 360 हो जाएगा। फिर हम देखते पी से क्यू तक ये सेमी सर्कल है, लेकिन मैं ए से बी तक अगर बात करूँ तो ये सेमी सर्कल से छोटा है, तो उसको हमने कहा था माइनर आर्क। और ए से लेकर यहाँ से ऊपर के रास्ते अगर गए बी तक, तो ये सेमी सर्कल से भी क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो उसे हमने नाम दिया था मेजर आर्क। तो मेजर आर्क सेमी सर्कल से बड़ा रहता है, उसका मेजर 180 से ज़्यादा रहता है। माइनर आर्क सेमी सर्कल से छोटा होता है, उसका मेजर हमारे 180 से कम रहता है, और किसी भी आर्क का मेजर उसके सेंट्रल एंगल के बराबर रहता है। ये सब हमने देखा था, ठीक है। और उसके बाद में अगर मान लीजिए कि जैसे अगर एग्जांपल यहाँ से बात करता हूँ, यहाँ से पूरा अगर मैं घूम जाऊँगा तो 360 आएगा, ठीक है। अब मैं मेजर ऑफ ये ऊपर का अगर विचार करता है, ये जैसे कि अगर ये मेरे पास 80 है पक्का हो गया, तो ऊपर का कितना होगा, तो आप 360 में से 80 को निकाल दो, तो ऊपर का जो होगा 80 गया तो 280 जो होगा वो ऊपर का होगा, ठीक है। यानी आप यहाँ से एक और पॉइंट बन जाता हमारा, कौन सा पॉइंट बनता कि मेजर ऑफ मेजर आर्क इज इक्वल टू 360 माइनस 180 क्या था, माइनर था, यानी मेजर ऑफ माइनर आर्क ये यहाँ पर बन जाएगा। तो ये एक पॉइंट हमारे पास बाद में हम ध्यान में रखेंगे, लिख भी लेंगे, कौन सा, मेजर ऑफ मेजर आर्क इज इक्वल टू 360 माइनस मेजर ऑफ माइनर आर्क, या फिर उल्टा भी कर सकते हैं आप, इसको अगर इधर भेज देंगे तो ये इधर आएगा, ये उधर में माइनस में चला जाएगा, तो वो भी हो जाएगा, ध्यान में रखना, ठीक है। चलो इसी के चलते हमारे पास, हमने 3.3 का एक ही क्वेश्चन लिया है अभी, क्योंकि जो दूसरा है उसके लिए हमको थोड़ा सा और पॉइंट्स पढ़ने की ज़रूरत है। सो फिलहाल यहाँ पर इसका काम करते हैं हम, ठीक है। तो चलो यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ आंसर्स, ठीक है। तो सिंगल ही है तो आंसर ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारा वही है, क्वेश्चन फर्स्ट है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे कि वहाँ ये हमारा क्वेश्चन में डायग्राम दी है, तो बच्चों आपको भी सेंटर में क्या करनी होती है, डायग्राम निकालनी होती है। चलो मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, मैं भी डायग्राम निकालने की कोशिश करता हूँ, एक्चुअली निकाल ही देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको लगे कि हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सर्कल जैसा ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है बच्चों सर्कल, यहाँ पर सेंटर है हमारे पास सी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, जैसा वहाँ डायग्राम में वैसा मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ से डी तक खींचा गया है, यहाँ पर उन्होंने आया ऐसा हमारे पास है ई तक, ठीक है, सॉरी एफ तक है, और यहाँ से उन्होंने कर लिया है काम, ठीक है, ये, और इसको नाम दिए। तो यहाँ पर डी है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर एफ है, और यहाँ कोई एक आधा पॉइंट ले लिया जिसको नाम दिया
जी ठीक है, अब हमने डायग्राम निकाल दी है। अब डायग्राम में हम क्या करते, पढ़ते क्या क्या दिया है और क्या पूछा है। ठीक है, देखो इन द फिगर पॉइंट्स जी डी ई एफ, देखो जी डी ई एफ क्या है, आर कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स ऑफ सर्कल विद सेंटर सी, सेंटर सी है। और इनको कॉनसाइक्लिक क्यों बोलते, कॉनसाइक्लिक का मतलब एक ही सर्कल पर जो पॉइंट्स है उसको हम कॉनसाइक्लिक करते, सी को नहीं कहेंगे क्योंकि सी सेंटर है और ये पूरे पॉइंट्स क्या है हमारे सर्कल पर है, तो जो एक ही सर्कल पर पॉइंट्स रहते हैं उसे हम कॉनसाइक्लिक कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे देखो एंगल ई सी एफ चेक करो, ई सी एफ ये कितना दिया है 70, तो हम यहाँ पे 70 डिग्री लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या है, मेजर आर्क डी जी एफ, देखो डी जी एफ यहाँ से ये आर्क दिया है 200 डिग्री। ठीक है, और फिर कहा है फाइन मेजर ऑफ आर्क डी ई, ये देखो ये आपके पास आर्क डी ई है और दूसरा पूछा है डी ई एफ, तो डी ई एफ यहाँ से यहाँ तक, मतलब इसमें दो आर्क आ गए तो डी ई एफ के लिए इन दोनों की हम क्या करेंगे एडिशन। लेकिन पहले आपको डी तो वैसे भी पूछा है, आपको ई एफ भी निकालना पड़ेगा ताकि आप डी ई एफ इज इक्वल टू डी ई प्लस ई एफ कर सके। ठीक है, तो चलो यहाँ पे काम पे लग जाते हैं। चलो तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटर की, तो क्या बोलेंगे, सी इज द सेंटर ऑफ सर्कल, सी इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ये ध्यान में रखेंगे हम। ठीक है, उसके बाद ये एंगल दिया है तो यहाँ इसको लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, मेजर एंगल क्या दिया है, ई सी एफ इज इक्वल टू 70 डिग्री। दूसरा दिया है ये आर्क का, ठीक है ये आर्क का मेजर, देखो आर्क है तो हम लिखेंगे मेजर आर्क कौन सा है, डी जी एफ इज इक्वल टू 200 डिग्री। ठीक है, ये हमको गिवन है। ठीक, चलो अब आगे क्या कहा है कि आर्क डी निकालो, तो डी के लिए मुझे देखो ये जो डी निकालना है ना बच्चों, इसके लिए मुझे ये एंगल मालूम चाहिए था क्योंकि मैंने क्या कहा कि सेंट्रल एंगल का मेज़र और ये आर्क का मेज़र सेम रहता, लेकिन ये एंगल मुझे मालूम नहीं। अच्छा एक काम करते हैं, ई सी एफ देखो, ई सी एफ ये एंगल मालूम है, तो बच्चों ये एंगल मालूम है तो आपको ऑटोमेटिक इस आर्क का मेज़र मालूम हो जाएगा, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर क्या कहेंगे हम, मेज़र आर्क ई एफ, ठीक है मेजर आर्क ई एफ इज इक्वल टू क्या होगा, मेजर एंगल ई सी एफ, तो हम लिखेंगे मेजर एंगल ई सी एफ और इसको रीजन भी देंगे, मैंने कहा था ये आर्क है और ये उसका करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल है, दोनों के मेजर सेम रहते हैं, यानी क्या कहेंगे हम यहाँ पर ऐसा लिखेंगे, मैंने लास्ट टाइम लिख के भी दिया था, मेजर ऑफ आर्क एंड करस्पॉन्डिंग लिखना यहाँ पे, करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल, या लिख देते सेंट्रल एंगल। ठीक है, इसका मतलब क्या कि आर्क का मेजर और सेंट्रल एंगल का मेजर सेम रहता है, इसीलिए हम ये कहेंगे कि मेजर आर्क ई एफ इज इक्वल टू, ई सी एफ का मेजर कितना है 70, तो ये भी बन जाएगा 70, लेकिन बच्चों ई एफ के बारे में उसने ना पूछा था ना दिया था तो इसको रहने देते। अब देखो मैंने ये भी कहा था डी ई एफ है तो डी ई एफ के लिए ई एफ की ज़रूरत पड़ेंगे, तो ये हमारे फायदे का तो वैसे भी है। अब रही बात डी ई की, तो ये एंगल नहीं है, हम निकाल सकते हैं ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हम थोड़ा दूसरे मार्क से जाएंगे। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या कहा था पूरे होल सर्कल का मेजरमेंट कितना होता है 360, तो अगर हम यहाँ से शुरू करते, कहाँ से देखो D से शुरू करते और घूम के मैं घूम के D पर वापस आ जाऊँ तो समझ जाओ कि क्या हो गया पूरा सर्कल। तो मैं देखो क्या क्या करता हूँ, तो ये D से E तक जाता हूँ यानी DE, फिर EF लेता हूँ EF, ठीक है, और फिर पूरा DGF लेता हूँ, ठीक है, यानी DE प्लस EF पूरा DGF मिलकर क्या बनेगा होल सर्कल, तो उससे हमारा काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्या बोलेंगे हम, चलो देखो यहाँ पर नाउ मेजर आर्क डी ई क्या कहेंगे हम, मेजर आर्क डी ई प्लस इधर से चलते हैं फिर ई एफ लेते हैं, तो मेजर आर्क ई एफ प्लस करते फिर से और ये डी जी एफ की बात करते हैं, तो मेजर आर्क डी जी एफ, ठीक है, इज इक्वल टू मैं यहाँ लिख देता हूँ मेजर क्या हो गया, मैंने डी से शुरुआत की ये लिया और डी जी एफ यानी एफ जी डी भी बोल सकते हैं, यानी पूरा सर्कल उसमें आ गया, तो हम यहाँ पे बोलेंगे मेजर ऑफ होल सर्कल। देखो इन तीनों को मिलाओ, ये डी ई फिर उसके बाद ई एफ और ये पूरा डी जी एफ मिला दो तो पूरा होल सर्कल मिलता। अब अपने अपने स्थान पर जगह पर वैल्यू रखो, तो डी मालूम नहीं तो वैसा ही रख देते, यानी यहाँ पर है मेजर आर्क
मेजर आर्क डी ई प्लस, अब देखो ई एफ, सो वी हैव फाउंड ई एफ एज 70 डिग्री प्लस मेजर ऑफ आर्क डी जी एफ, ठीक है, ये देखो डी जी एफ 200 दिया है, तो ये डी जी एफ 200 लिखते इज इक्वल टू मेजर ऑफ होल सर्कल, सबको पता है मेजर ऑफ होल सर्कल होता है 360, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे हम, मेजर ऑफ आर्क डी ई, ठीक है, प्लस इन दोनों को ऐड कर दो तो 270 मिलेगा इज इक्वल टू 360, ठीक। चलो अब होगा मेजर आर्क डी ई इज इक्वल टू 270 को ट्रांसफर करो तो 360 माइनस 270, और इसीलिए मेजर आर्क डी ई इज इक्वल टू 360 से 270 निकालो तो आपको मिलेगा 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पर आपको क्या मिल जाता है, मेजर आर्क डी ई जो उसने खुद चाहा था, हमारा काम हो गया। अब दूसरा काम क्या है, मेजर आर्क डी ई एफ, यहाँ पर देखो क्या बोलेंगे हम, मेजर आर्क डी ई एफ इज इक्वल टू, अब चेक करो भला डी ई एफ में दो आर्क है, एक है डी ई और दूसरा है ई एफ, तो लिख दो इसको, तो मेजर आर्क डी ई प्लस मेजर आर्क आप क्या बोलेंगे ई एफ, ठीक है। चलो अभी क्या हो जाएगा, देखो डी का मेजर अब भी निकाला हमने कितना है 90, प्लस ये जो ई एफ है, ई एफ का मेजर यहाँ निकाल के रखा है हमने यानी 70, सो यहाँ पे हमारा फाइनल हो जाएगा मेजर आर्क डी ई एफ इज इक्वल टू 90 और 70 को मिला दो तो ये बनेगा 160 डिग्री, ठीक है। तो ये बराबर ध्यान दो बच्चों, एक चीज़ आपको मैं बताना भूल नहीं गया, एक्चुअली फ्यूचर में आने वाला है वो, तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करता ना, ये आपका सेंट्रल एंगल है, इसका जो मेजर रहता है यही इसका मेजर रहता है, ये तो मालूम है, लेकिन मेजर और लेंथ में फ़र्क है। जब मैं मेजर की बात करूँ तो डिग्री में आएगा, जब मैं लेंथ की बात करूँगा ना, हम ये जब हमारा मेजरेशन चैप्टर आएगा उसमें आने वाला है, तो जब मैं लेंथ ऑफ आर्क कहूँगा तो इसकी लेंथ मेजर करना होता है, तो लेंथ ऑफ आर्क नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर मेजर ऑफ आर्क है जो डिग्री में आएगा और जो सेंट्रल एंगल के बराबर होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। सो ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो गया, तो जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया था तो वो क्वेश्चन तो यहाँ पर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक ही क्वेश्चन इसलिए लिया कि उसमें और दो क्वेश्चंस है, लेकिन उस क्वेश्चन को जो लगने वाला बेसिक है वो थोड़ा सा हमको देखना है, ठीक है, तो इसलिए आज वो बेसिक देखते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, वो दोनों क्वेश्चन को फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले एक बेसिक ये जो जब भी मैंने क्या किया था, आपको समझा दिया था, कौन सा, कि मेजर ऑफ क्या बोलेंगे, मेजर आर्क, क्या पढ़ेंगे, मेजर ब्रैकेट को ऑफ पढ़ना, मेजर आर्क इज इक्वल टू क्या लिख के दिया था याद करो, 360 माइनस मेजर ऑफ माइनर आर्क, ये ध्यान में रखना है, माइनर आर्क, ठीक है, या फिर इसके उल्टा भी आप बोल सकते हैं, कैसा, माइनर को इधर भेजो तो मेजर उधर जाएगा, ठीक है, क्या होगा बताओ, मेजर ऑफ माइनर आर्क क्या होगा, माइनर आर्क इज इक्वल टू ये हो जाएगा 360 माइनस मेजर, देखो यहाँ पे मेजर है और ये एम ई एस यू आर ई मेजर है, ये मेजरमेंट के लिए ये उसका नाम है, ठीक है, तो मेजर ऑफ मेजर आर्क, ठीक है, मेजर ऑफ मेजर आर्क, ठीक है, ये दो पॉइंट ध्यान में रखना, ये तो वैसे भी लास्ट टाइम में लेने चाहिए थे, हमने अभी ले लिया। अब हमको ये बेसिक नहीं, हमको थोड़ा सा दूसरा बेसिक देखना है, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखना जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है, कि अगर मान लीजिए आप या तो आप सेम सर्कल लेते हो या तो आप कॉन्ग्रुएंट सर्कल लेते हो, कॉन्ग्रुएंट सर्कल लेने जिसकी रेडियस सेम है, और सेम सर्कल का मतलब वो एक ही है, तो उसमें अगर कॉर्ड सेम है, क्या है उसमें कॉर्ड अगर सेम है, तो ध्यान में रखना कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड के जो करस्पॉन्डिंग आर्क्स होते हैं वो भी सेम होते हैं, ठीक है, यानी क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, आर्क्स, यहाँ पर हम पॉइंट लिखेंगे, मेन पॉइंट है आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स, ठीक है, क्या बोलेंगे हम, आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, या फिर आप कॉन्ग्रुएंट सर्कल बोल सकते हैं, आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, या फिर मैं इसके उल्टा भी लिख देता हूँ, क्या बोलेंगे हम, कॉर्ड्स ऑफ, क्या बोलेंगे, देखो आर्क्स है इधर कॉर्ड्स है, तो अभी कॉर्ड्स इधर करो तो कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क्स,
कॉन्ग्रुएंट आर्क्स ऑफ अ सर्कल, ऑफ ए सर्कल बोलो या फिर कॉन्ग्रुएंट सर्कल, आर कॉन्ग्रुएंट, आर कॉन्ग्रुएंट, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पर हम देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल लेने वाला हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास में क्या है यहाँ पर, ये मैं यहाँ से सर्कल निकाल देता हूँ एक, ठीक है। ये आपके लिए यहाँ से एक सर्कल लेते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कॉर्ड्स ले लेता हूँ, दो कॉर्ड्स ले लेते हैं हम। एक कॉर्ड ये मान लो ए बी है और इधर में एक आधी कॉर्ड है, अब मैं अंदाज से ले लेता हूँ, ये थोड़ा सा इक्वल टाइप में बता देता हूँ, यहाँ तक है और इधर में भी मैं एक आधी कॉर्ड ले लेता हूँ, ठीक है। सो मान लीजिए बच्चों कि यहाँ पर ये कॉर्ड क्या करता हूँ मैं सेम लेता हूँ, ठीक है। सो समझो ये ए बी है और ये हमारी सी डी है, ये हमारी क्या है, सी डी। अगर मैं ये कहूँ आपसे कि ये कॉर्ड और ये कॉर्ड सेम है, सेंटर ले लेते समझो ओ है, हम इसको प्रूव करने वाले थ्योरम में लेने हैं, अभी तो हम बेसिक पॉइंट पे लेंगे, इसको हम प्रूव भी करेंगे थ्योरम में। सो क्या कहूँगा मैं यहाँ पे, ओ इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल, ओ इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। और महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर कॉर्ड ए बी क्या है, यहाँ पर कॉर्ड ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड सी डी, अगर मान लीजिए ये गिवन है। सो यहाँ पर ये कॉर्ड ए बी है, तो कॉर्ड ए बी का आर्क कौन सा है, तो कॉर्ड ए बी का आर्क है हमारे पास में ये, तो ये जो आर्क है ये, और सी डी का कौन सा ये है हमारे पास, तो ये आर्क दोनों सेम रहेंगे, यानी क्या बोलेंगे, सो आर्क ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क क्या बोलेंगे हम, सी डी। और रीज़न क्या देंगे मुझे बताओ, ये आर्क्स है, इसके पहले कौन कॉन्ग्रुएंट आया, कॉर्ड्स, तो आप यहाँ पे बोलेंगे आर्क्स, देखो अपने आर्क लिखा तो ये बोलेंगे आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स, इतना सिंपल लिखना आपको, ठीक है, आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स, ठीक है। चलो इसी एग्जांपल में एक आधा दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे ये कॉर्ड सेम है तो इसके जो आर्क्स है वो सेम आ जाएंगे। दूसरा एक एग्जांपल इसमें हम ले लेते हैं दूसरी तरीके से, ठीक है। तो आप यहाँ पर थोड़ा चेक करिए, ये हमारे पास में है एक सर्कल, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया आपके लिए, बड़े अच्छे से निकालता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पे फिर से क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर मैं कॉर्ड ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर इधर में कोई एक आधा क्या कर लेता हूँ मैं, कॉर्ड ले लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों अभी चेंज है, ठीक है। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर ये पी क्यू है, मान लीजिए हमारे पास ये आर एस है और सेंटर ओ ले लेते। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, देखो ये जो हमारे पास आर्क्स है, ठीक है, कौन से आर्क ले हमने यहाँ पर, ये आर पी क्यू और ये आर आर एस, यहाँ पे ओ क्या है, ओ इज़ द, ओ इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल समझो, ठीक है। उसके बाद ये कॉर्ड सॉरी आर्क और ये आर्क हम लेते यहाँ पर, आर्क पी क्यू इज़ कॉन्ग्रुएंट टू आर्क समझो आर एस है। दो मिनट के लिए मैं इसको गिवन समझ लेता हूँ, मान लीजिए कि ये आपको गिवन है तो ये मिलेगा, यहाँ पर ये गिवन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कॉर्ड इक्वल थी, कॉन्ग्रुएंट है तो आर्क्स मिले, यहाँ पर आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है तो अब क्या मिलेंगे, कॉर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। यानी आपको क्या होगा, पी क्यू आर्क है तो यहाँ पर होगी कॉर्ड पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पे आर एस आर्क है तो यहाँ पर होगा कॉर्ड आर एस, और रीज़न रहेगा देखो, यहाँ पे आर्क्स लिखा तो आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स, यहाँ पर क्या है कॉर्ड है तो आप लिखेंगे कॉर्ड्स ऑफ, कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट आर्क्स आप इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। सो ये पॉइंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कौन से ये दो, ये तो वैसे लास्ट टाइम मेज करने वाले थे हम, ठीक है, ध्यान में रखना, मेजर ऑफ मेजर आर्क 360 माइनस मेजर ऑफ माइनर आर्क, मेजर ऑफ माइनर आर्क इज इक्वल टू 360 माइनस मेजर ऑफ मेजर आर्क, ठीक है। फिर आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क्स ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, उसके ये एग्जांपल्स है, ठीक है। सो यहाँ पर बच्चों हमारे पास में क्या होता है, ये इक्वेशन और एक पॉइंट हमने लिखा यहाँ पर, और इन पॉइंट का इस्तेमाल करके हम जो हमारे इस एक्सरसाइज में और दो क्वेश्चन है उसको भी हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, यानी सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे हम बाद में, टिल देन।